फटा 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सर मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे, मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं। पीएम मोदी का ये वीडियो बहुत वायरल है। ये वीडियो पीएम मोदी के कानपुर दौरे का है। पीएम मोदी दरअसल उन लोगों से बात कर रहे थे जिन्हें अलग अलग सरकारी माध्यमों से लाभ मिल रहा है। उसी दौरान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला जिसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, वो पीएम मोदी को सरकारी योजना से मिलने वाले फायदे के बारे में बताते हुए भावुक हो जाती है और सरकार से इस स्कीम को जारी रखने की मांग करती है। पीएम भी उस महिला की बातों को सुन भावुक होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने खुले दिल के साथ उसे आशीर्वाद दिया। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर। जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, दो बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी दो बेटियों को लेकर के, हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे, मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर, बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था, मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था, आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मेरे मुझ पर बीती है वो मेरी दो छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। बाद में महिला कहती है कि वो एक तस्वीर भी उनके साथ खिंचवाना चाहती है जिसे वो अपनी दुकान में लगाएगी, जिसके बाद पीएम ने सबके साथ हंसते हुए तस्वीर भी खिंचवाई। तो सर बहुत ज्यादा परेशानी हमको हुई थी दो बेटियों को लेकर के, हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे, मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर, बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था, मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था, आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मेरे मुझ पर बीती है वो मेरी दो छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर।